दमोह जिला पंचायत के चुनाव के बीच अब आगामी दिनों में जिसकी तारीख 5 अगस्त तय की गई है उसमें नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में टीम सिद्धार्थ मलैया के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मालूम हो कि टीम सिद्धार्थ मलैया के पास 5 पार्षद हैं और ऐसे में टीम सिद्धार्थ मलैया किसी भी दल यानी कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है। तो ऐसे में क्या बैठक में तय किया गया इसको लेकर के सभी टीम सिद्धार्थ मलैया के सदस्यों ने बैठक में विचार विमर्श किया, बातचीत की और आगामी रणनीति पर विचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। थोड़ा सा अगर नॉलेज में डाल देते तो वहाँ पे जो अपन उधर गए वहाँ से आपके पापा के बारे में क्या रहते वो भी ठीक बात नहीं लगेगी, उसका जवाब भी अपन को देना। सुनो नहीं वो उलझाने के लिए वो बता रहा हूँ, समझ गया अपना समय खराब हुआ, अच्छी बात नहीं हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है, वोटा क्यों नहीं मिली, मैं ये कह रहा हूँ। वो सीनियर है उनसे समझने तो दो। वोटे भैया अपन को उलझा नहीं चाहिए। अरे वोटे समीक्षा में ये आया आपके वार्ड में 3 हिस्से हैं अलग अलग, 3-4 मान ले तो आपके वहाँ टीम बहुत अच्छी है पर आपका 1 और 2 हिस्से में तो अच्छा परिचय है पर बाकी केसों में आपका परिचय कम था और जो दूसरा व्यक्ति था उसका परिचय था। विक्रम वहां से चुकी बात है, ये हमारा संबंध है तो 2-4 बार जब समझाया हमने तब वो समझे। एक चीज आपके वार्ड में मुझे जानना था, आपके वार्ड में क्या हुआ है? वहां तो अपन यार कॉन्फिडेंट थे, बहुत कॉन्फिडेंट, यहां पे भी आपने मीटिंग रखी थी, यहां पे भी अपन बैठे थे, मीटिंग का मीटिंग यहां चाय पी थी, वहां का जो मामला था आपको उलझाने के लिए मामला रखा गया था, आप हमसे किसी प्रकार का कोई किसी ने मेरे टाइम से अपन गए थे, इस टाइम से अपन ने समय दिया है उनकी तरैया की समस्या क्या हल निकला, कभी कोई हल निकल ही नहीं सकता। हम नीचे पूछना चाहते थे कि आप अपना हल बताओ कैसे हल होगा, क्योंकि वो तो ठीक है वो तो समय की बात है ना, लेकिन एक बार वोटों में क्या हुआ उलझान, वहाँ पे उनको उलझाने के लिए रखा गया, हमारे अन्नू है ना नए नए तो थे, इनको पूछना चाहिए कि भैया कहाँ पर रखें, कहाँ पर बैठना है, नहीं कम से पहले चर्चा तो वहाँ बैठने की चर्चा तो हुई।